नमस्कार, मैं उमेश व्यूम टूबी के पेज में आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। आज विवाह के इंटरव्यू में हमारे साथ हैं माना पाठक जी। सबसे पहले तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माना जी। क्या कुछ चल रहा है आपके टुंडी में? बस टुंडी में चल रहा है, जिस तरह चला जा रहा, राम भरोसे चल रहा है। अगर हम टुंडी की संरचना की बात करेंगे तो अगर किसी भी राज्य के किसी भी अंग से अगर उसकी तुलना कर लें, मुझे लगता है टुंडी का विकास आज भी उस परिशिष्ट में नहीं हो पाया जहां होना चाहिए था। क्या एक प्रतिनिधि के रूप में आप इस चीज को मानेंगे क्या? जी निश्चित मानेंगे। आप तो विकास की बात बोल रहे हैं और हमको तो ऐसा लग रहा है कि टुंडी जो मतलब संवैधानिक जो संरचना है जिसमें जनता का एक अधिकार की बात होती है, उन सारा चीज को टुंडी के लिए हमको लगता है खास करके दरकिनार किया गया, चाहे राज्य की तरफ से हो चाहे केंद्र की तरफ से। अच्छा, दरकिनार करने के पीछे जिम्मेवार कौन? जनप्रतिनिधि। इस व्यवस्था में जनप्रतिनिधि होते हैं जो हर क्षेत्र का विकास करता है, अपना जिम्मे लेते हैं कि हम सरकारी योजनाओं के द्वारा हो या किसी भी तरह से हो हम क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन उस तरह की योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं। चार से पांच टर्म का यहाँ विधायकी शासन मुझे लगता है कि हो चुका, और इस चार से पांच टर्म में तीन टर्म तो माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी रहे। क्या उनके कार्यों से टुंडी की जनता संतुष्ट नहीं दिखती, तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म कैसे पार लग गया? देखिए, अब कोई वैसा कुछ टुंडी के एक होता है ना कि हम टुंडी के लिए कुछ करें, कोई वैसा आदमी खुल के टुंडी में आया भी ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ टुंडी के लिए करना। तो वोट कैसे मिल गया माना जी? यहाँ तो बात आता है वोट कैसे मिल गया, तीसरा टर्म तक कोई व्यक्ति पहुंच कैसे जाएगा बिना वोट का? एक चीज होता है ना, अंधे में काना राजा, जहां अंधों के बीच में अगर एक आंख वाला रह गया तो वही राजा होता है। तो यहाँ टुंडी में ऐसा स्थिति रहा कि सब उसी तरह का कोई नेतृत्व क्षमता की वहां कमी रही, जिसके चलते अगर हम आपकी बात करें तो पिछले टर्म में भी अगर आप सक्रिय नहीं रहे तो कम से कम राजनीति में रहे, उस समय से अगर ये पांचवा साल का शासनकाल के अंतर्गत आप विरोध कहां किए? माना जी के तरफ से विरोध तो कहीं नहीं दिखता है। देखिए, हम विरोधाभास के राजनीति पर हम विश्वास नहीं करते, हम अपना व्यक्तिगत जीवन जो है हम सिर्फ काम करने पर भरोसा रखते हैं, और हमारा द्वारा जो क्षमता हमको ईश्वर दिया है उसके हिसाब से हम काम करने पर विश्वास है और काम किए हैं। अभी टुंडी प्रखंड के अंतर्गत ही आपका तोपचाची पड़ता है, वहाँ के मुखिया लोग बैठे हुए रोड पर, कभी ऐसा नहीं लगा कि उनसे जाकर मुलाकात की जाए? जी, हम टुंडी के मुखिया लोगों को समर्थन में दो दो दिन रात, मतलब दो दिन लगातार गए, रात में भी गए, और हमसे जो सहयोग बन पड़ा आर्थिक रूप से या जैसे भी हो, हम मुखिया जी लोगों का सहयोग किया, और हम यहाँ तक कहे कि आप लोग अगर नहीं सक रहे तो हम बोलिए, हम भूखे प्यासे अमरन अंतर को तैयार। अच्छा, चैनपुर कभी आप गए हैं टुंडी में? जी, चैनपुर, जीतपुर, ये सारा जगह के बारे में कहा जाता है कि विकास शब्द भी वहाँ दम तोड़ देगा। जी, विकास सही बात है, विकास चीज, विकास का जो नाम है वो तो दम तोड़िए देगा। वहाँ पर ऐसा स्थिति हो जाए कि आप भी अगर जाइएगा वहाँ पर वीडियो पत्रकारिता करने तो आपको भी लगे कि हम कहीं एकदम बना दूसरा दुनिया आ चुके हैं। तो इसको कैसे निकाला जाए? कोरामिन इंजेक्शन देना पड़ेगा या ऑक्सीजन सिलेंडर से ये निकलेगा? टुंडी कब विकास करेगा? पिछले अगर 10 वर्षों से तुलना किया जाए तो वही थाना के पास 10 दुकानें चल रही थी, आज भी वही सिमट कर रह गई। टुंडी के विकास के लिए फिर से हम वही बात कहना चाहेंगे कि टुंडी के हर एक जनता को जागृत होना होगा, और जो टुंडी में भ्रमण जैसे हम ही कर रहे हैं वहां पर, तो हमको भी उस पर संकल्पित होकर उतरना होगा कि नहीं, हम सारा काम एक साइड और टुंडी का विकास एक साइड, इस रणनीति पर अगर हम उतरे 24 घंटा उस पर अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से टुंडी का विकास होगा। जातीयता है क्या टुंडी के अंतर्गत? देखा जाए तो वहाँ ब्राह्मणों का अलग गुट है, महतो का अलग गुट है, आदिवासियों का अलग गुट है, लेकिन ब्राह्मण शब्द की बात हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं हावी है राजनीति में, इस चीज को आप लोग मानेंगे कि नहीं? देखिये, तो अगर कहा जाए जनरली रूप से पूरा भारतवर्ष, पूरा झारखंड का एक कल्चर चला आ रहा है कि जातिवाद, लेकिन उस हिसाब से टुंडी में थोड़ा हमको जहां तक लगता है कम है जातिवाद। नहीं, आप हम सीधा आ रहे हैं, हम कटाक्ष कर रहे हैं ना पक्ष ना विपक्ष, सीधा ब्राह्मण वाइट टुंडी के अंतर्गत है या नहीं? ब्राह्मण बहुत कम संख्या में, ब्राह्मणवाद क्या होगा? देखिए, राजनीति में उसी का चलता है जो संख्या बल में अधिक हो, ब्राह्मण बहुत कम संख्या में, ब्राह्मण का क्या वहां पर दबदबा और क्या राजनीति? अच्छा, क्या कारण रहा कि आज भी आदिवासी लोग उपेक्षित रहे, ना रोड, ना पानी, ना बिजली, कुछ ऐसे जगह जहां आपके वीडियो के भी माध्यम से हम लोगों को पता चलता है राजनीति का गोलबंदी अलग जगह है, लेकिन आप जो अपनी गोलबंदी कर रहे हैं क्या वाकई उनके विकास के लिए कर रहे हैं या वर्तमान विधायक के विपक्ष की राजनीति है ये? आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ वैसा विश्वास दिलाने के लिए वैसी कुछ बातें हैं तो बताइए, हम बताएंगे। हम बताना चाहते हैं कि हम हर स्तर से सिर्फ और सिर्फ राजनीति से कोसों दूर, हमको कोई लेना, हमको एकमात्र उद्देश्य, जिस तरह जीवन में कोई लक्ष्य बनाता है उस तरह हम एक लक्ष्य बनाएंगे। राजनीति में माना भाई लक्ष्य नहीं होता, मानते हैं आप? राजनीति में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं,
दूध पानी के साथ भी राजनीति में मिल जाता है। वोट की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति, आप ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, वोट नहीं तो नेता नहीं, ये बात मानेंगे आप? आज की परिस्थिति में मानते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि राजनीति करने वाले लोग देश को ऐसा मुकाम पर ले गए हैं, अपने क्षेत्र को ऐसा जगह पर ले गए जिसको आप बोल सकते हैं कि स्वर्गीय माहौल बना हुआ है? ऐसा भी नेताओं का हम नाम गिनेंगे जिन्होंने अपना क्षेत्र का, अच्छा आपकी गोलबंदी को हम क्या समझे, क्या इसको प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं माने क्या? आप दबाव की राजनीति क्रिएट कर रहे हैं वर्तमान, मतलब हम सीधा कहेंगे विधायक के अगेंस्ट में लोगों को इकट्ठा करना, और हर दिन आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। विकास के लिए आप नाला क्यों नहीं बनवाते हैं? विकास के लिए आप रोड क्यों नहीं अपने फंड से बनवाते हैं? विकास के लिए हॉस्पिटल में आप जीर्णोद्धार की बात क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहले तो आप प्रेशर की बात जो बता रहे हैं, अगर हमारा कार्य से किसी पर प्रेशर बन जा रहा हूँ अलग बात है, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का विकास हो। रही बात आप अपने फंड से क्यों नहीं करते हैं, रोड क्यों नहीं बनाते हैं, हॉस्पिटल का, तो हम उस तरह सक्षम आर्थिक रूप से नहीं है कि हम कर पाए। अगर हमको उस तरह सक्षम रहते तो निश्चित रूप से हम अपना पॉकेट से जो है सो रोड भी बनवा लेते हैं, हॉस्पिटल भी बनवा लेते हैं, लेकिन हम उस तरह आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत नहीं है कि हम बनवा, उसके बाद भी जितना हो सके रोड में, अगर कहीं एकदम ना जाने की स्थिति में अगर रास्ता है तो उस पर हम ट्रैक्टर से पत्थर गिरवा देते हैं, मोहरम गिरा देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो उसके लिए हम आंदोलन करते हैं, उसके लिए हम कई आपको उदाहरण दिखा देंगे कि हम आंदोलन किए, भूखे प्यासे रहे डॉक्टर पदस्थापन। अच्छा, हॉस्पिटल कभी वहां गए आप? टुंडी का हॉस्पिटल कभी घूमे? जो वर्तमान में स्थिति, हम लोग भी वहां एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए गए थे, बहुत सारी महिलाएं मिली जिन्होंने बताया ना बीपी का दवा मिलता है, ना शुगर का दवा मिलता है, इन सारी चीजों को लेकर एक बार ऐसा नहीं लगता है कि उसके दरवाजे पर बैठने की जरूरत है? जी, जरूरत है, पहले भी बैठ चुके हैं, जिस पर हम लोग जब बैठे इस पूरे तोपचाची और पूरा टुंडी को लेकर जब हम लोग सिविल सर्जन के पास बैठे तो सिविल सर्जन अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए बोले कि डॉक्टर की कमी है, हम लोग किए हैं, डॉक्टर होगा, आप निश्चिंत रहे, हम लोग को भी उसी तरह, मतलब जिस तरह का बात हमको लगा कि विश्वास करने योग्य, लेकिन फिर उसी तरह कुछ दिन बाद लगा कि डॉक्टर जो सीएस है वो भी हम लोग को कहीं के टालने बरगलाने का काम कर रहा है। महतो जी का वोट काट कर माना पाठक जी के खाते में गिरेगा तो कैसे गिरेगा, किन कारणों से गिरेगा? अब देखिए, किन कारणों से गिरेगा, हमारा जो काम है, हमको जो जो लगता है उस पर हम उसी चीज को आप बताइए माना जी कि आपका काम क्या है। मुझे तो सीधा लग रहा है, अगर आपके अगेंस्ट की हम बात करें, अगर मथुरा प्रसाद महतो जी से बात करेंगे तो वो सीधा कहेंगे कि वर्तमान राजनीति में कल दिन हमारे साथ जो थे आज हमारे अलग हो गए ना। ठीक है, उनका कहना है, कोई सब किसी न किसी के साथ रहता है और किसी न किसी के साथ रह के फिर अपना काम करता है। बोलने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। हम आप अभी जैसे चैनपुर की अभी बात बोले, चैनपुर में क्या वहाँ पर रोड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्कूल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर बिजली नहीं होना चाहिए, आप चलिए देखिए वहाँ पर किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीजों को करने के लिए इच्छा बल की शक्ति, एक विधायक के लिए सब बहुत बड़ा चीज होता नहीं है करने को इच्छा, लेकिन हम उसके लिए तैयार। माथे पर एक शब्द लगा हुआ है, नक्सल क्षेत्र, क्या यह आज भी हम उसको माने या वाकई यह बिल्कुल खत्म हो चुका है? देखिए, नक्सल प्रभावित तो था टुंडी, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन आज की जो परिस्थिति उसमें नक्सलवाद कहीं उस तरह का कोई, अच्छा व्यवसाय का ग्रोथ नहीं हो पाया क्या इसको समझे, या लगा कि लोगों के मन में आज भी वो भय डर बना हुआ है, जबकि जीटी रोड उधर से पार हुआ तो व्यवसाय का विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, व्यवसाय का विकास क्यों नहीं हुआ, हम तो मान लीजिए न सदन में पहुंचे, न टेक्निकल चीज़ों की उतनी जानकारी है कि एक विधायक का क्या जिम्मेवारी होती है, कंपनियों को बुलाना, किस तरह सरकार से काम कर, अगर इन सब चीज़ विधायक चीज कर लेंगे तो फिर वहाँ व्यवसायीकरण बहुत सुंदर चलेगा, रोजगार का भी साधन होगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर क्या है तो देख। अच्छा, क्या महिलाएं के लिए कोई ऑप्शन वहाँ पर है? एक सिंपल ट्रेनिंग कभी काल हो जाता है, सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन, या उनके रोजगार के लिए स्वरोजगार की योजना कभी कुछ लगा कि लोगों तक पहुंचा जा सके, या विधायक जी की तरफ से भी गलती रही? अब इस विषय पर तो यही हम कहेंगे कि विधायक जी की ही गलती रही, क्योंकि विधायक जी के पास किस चीज़ का साधन है, उनके पास बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे डीएमएफटी फंड बोलिए, सरकारी जो भी चीज़ है वो चाहेंगे तो अपना लाइनअप करके रोजगार के, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये आप मानते हैं कि टुंडी के विकास को आज भी पैरालाइज्ड किया गया राजनीति तंत्र के माध्यम से? लग तो वही रहा है राजनीति, अब टुंडी से वही है कि अगर विकास हो जाए तो फिर आदमी जागरूक हो जाएगा, तो हम लोग जैसे आदमी को यहाँ पर टुंडी में राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके तरह बद से बदतर की स्थिति बढ़ती जा रही है। क्या कुछ चाह रहे हैं वहाँ जनता को, क्या कुछ सोचना चाहिए, और क्या बदलाव जरूरी है, या वाकई स्थायी उसी जगह पे रहा जाए?
ये हम कैसे के बदलाव क्यों नहीं चाहिए, वो भी इंसान टुंडी का, हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी तो चाहते कि जिस तरह देश बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, हमारा टुंडी भी बढ़े। हमारा भी इच्छा है कि टुंडी भी झारखंड में ऐसा गिनती में है कि टुंडी एक विकासशील विधानसभा में आता है, हम लोग का इच्छा है। अच्छा, आप पर एक आरोप लगा है कि आप कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, और अचानक वहां से करवट लेकर आप राजनीति में कूद पड़े, लगा कि किसी तरीके से गोलबंदी, टिकट मिल गए, जीत गए, यही कुछ मन में है, या वाकई जो विपक्ष के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, लेकिन व्यवसायी हम आज नहीं है, शुरू से राजनीति हमारा समाज सेवा पहले रहा है, उसके बाद व्यवसाय रहा। हम समाज सेवा करते करते व्यवसाय भी कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए चाहिए। हम मान लीजिए टुंडी जाएंगे, उसमें मान लीजिए 200 रुपये का पेट्रोल खर्चा कहाँ से आएगा, हम जुगाड़ लेकर, हमारा भी परिवार है, हम कहाँ से खाएंगे? तो खाने पीने के लिए जितना जरूरत उतना काम व्यवसाय करते हैं, उसमें कहीं दूर नहीं। लेकिन व्यवसायी केवल बोलिएगा तो ये बात सरासर गलत है। अच्छा, अभी हम लोग टुंडी में रिपोर्टिंग जब कर रहे थे तो वहाँ एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि आप वर्तमान विधायक का जो कार्य है जनता के लिए तो है, लेकिन अपने लिए भी उन्होंने एक अच्छा खासा सल्तनत खड़ा कर दिया। ये जो शब्द आज के डेट में लोकतंत्र में सल्तनत शब्द एक विधायक के लिए एक आम जनता के द्वारा अगर दिया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से एक विधायक अगर चाहे कि हमको सिर्फ राजनीति को व्यवसायीकरण करना, यह टुंडी से ही देखने को मिलता है। राजनीति के आड़ में अपने आप को बहुत मजबूत कर लेना, यह टुंडी विधानसभा से ही नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, आप आए क्षेत्र में कि हम लोकल है, हम गरीब का दर्द समझते हैं, आप गांव गांव घूमे, पदयात्रा किए, सारा चीज किए, उसके बाद जैसे भी आप उस जगह पर आए अपना व्यवसाय शुरू हो गया, और इस तरह का व्यवसाय आप खड़ा कर लिए कि आपको समय नहीं मिलता है कि आप क्षेत्र में देखिए, आप कहीं भोज चल जाइए, खाना खाने चल जाइए, वो समाज सेवा नहीं हुआ। कोई बुलाता है आप वहां जाके खाना खा लिए, उसका छटियारी में चल गए, आप वहाँ मूलभूत समस्या पर क्या कर रहे हैं? इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी अभी सांसद गठबंधन का है, वो तो एकदम जो योजना होता है शिलान्यास के लिए जाते हैं, कल शिलान्यास करते हैं। अच्छा, कांग्रेस की कोई देन टुंडे में? अगर आजादी के बाद से हम 2023 तक का सफर का बात करें तो क्या कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिसे आज भी लोग याद रखें? वैसा हमको कहीं वैसा कुछ टुंडी में नजर नहीं आ रहा है। स्कूल कॉलेजेज जो होते हैं वो तो जनरली सब जगह होता है, और अब उस स्कूल को सुचारू रूप से चलाया जाने के लिए कुछ व्यवस्था वैसा नहीं है, शिक्षक की कमी है, कॉलेज ढंग से हो नहीं पा रहा है। ये मानेंगे आप टुंडी को, हम ये JMM का जो अपना स्लोगन है जन जंगल जमीन की बात करते हैं, तो जन जंगल जमीन की बात करने वाला पार्टी के अंतर्गत इस तरीके का टुंडी का उपेक्षा क्या JMM की भी रणनीति में रहा क्या? यही चीज समझ के परे है कि टुंडी से ही JMM का उत्थान या जिस तरह का संगठित होकर आंदोलन करना, टुंडी को आगे करके टुंडी में रहना, टुंडी में आश्रम बनाना, उसके बाद भी टुंडी जैसे जगह उपेक्षित है, ये हमारा आश्चर्य की बात है कि टुंडी क्यों इस तरह की स्थिति में, जबकि गुरुजी यहाँ पर रहे, गुरुजी का आश्रम है, जब भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी आते थे टुंडी पर विशेष उनका रहता था, लेकिन कार्य क्यों नहीं हो रहा है? अब यहाँ की जनप्रतिनिधि की बात बोले या सरकार की बात बोले, ये तो आप लोग पत्रकारिता आप लोग बेहतर। अच्छा, एक अंतिम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सबसे बड़ी समस्या टुंडी के अंतर्गत क्या है जो हर व्यक्ति हर जगह किसी भी जगह आप चले जाए जो व्याप्त दिखेगा? बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था की कमी है, ये सब तो मूलभूत सुविधा है, लेकिन सबसे बड़ा अभी है भुखमरी की स्थिति है टुंडी। आज भी टुंडी में भुखमरी की स्थिति है। आप चलिएगा ग्राउंड रिपोर्ट पर, हम दिखा देंगे कि लोग खाने के लिए बहुत तरह का बीमारी जो होता है, मतलब अनाज के अभाव में बीमार ग्रस्त है लोग। अच्छा, अंतिम इससे पहले कि हम लोग वाइंड अप करें, ये जानना चाहेंगे कि आम जनता के बीच में क्या संदेश माना पाठक जी का रहेगा कि 2024 में चुनाव अपनी जगह है लेकिन आपने समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में जगह बनाया, क्या कुछ कहेंगे टुंडी की जनता को, कैसे विश्वास करें, और विश्वास करने के पीछे माना पाठक जी का क्या चुंबकीय आकर्षण है जो जनता खींची चली आएगी? देखिए, टुंडी को जनता को आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने लिए न कुछ रखना चाहते हैं न कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम टुंडी के जनता के लिए करना चाहते हैं। आज जो भी कहीं से अगर आप व्यवसाय करेंगे, जो भी व्यवसाय से आता है पैसा हम कमाते हैं, वो सारा क्षेत्र में हम खर्च करते हैं, और आने वाला समय में अगर हमको सब टुंडी के जनता अगर समर्थन किया तो पूरा जीवन का एक एक पल खून पसीना सब हम टुंडी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माना पाठक जी, बस मेरी तो यही शुभकामना है कि टुंडी का विकास करें, और जिस तरीके से जिन चीज़ों को लेकर वहाँ आज भी उपेक्षा का शिकार लोग दंश झेल रहे, वह समय रहते उसका निराकरण हो। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।